आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, नहीं 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 रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है, मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती। रविंदर के परदादा जी यानी पापा जी के पापा जी ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बिगड़े भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी कि मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। यानी लाइफ में लगा तड़का, रावी बन गई लड़का। जी 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 प्रिंसिपल साहब, ग्रांट की आप चिंता ना कीजिए, वो सब हम कर देंगे। जी जी प्रिंसिपल साहब धन्यवाद किस बात का, ये तो फर्ज था हमारा। जी जी जी, जी। बस एक बात पूछनी थी आपसे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। जी क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब, आप बच्चे बातों में लगे रहते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। जी मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। हाँ बस एक अरे उस निगम की जोड़ी तो बंदर की पूंछ जैसी लगती है। सभी लड़कियों की जोड़ी ऐसी लगती है ना। ओए खाने की टेबल पे भी चटर पटर चटर पटर, मुंह बंद रखा करो खाते वक्त। नहीं मासी, पता है खाते वक्त ज्यादा बोलने से खाना पेट में जाते ही हजम होने लगता है, इसलिए ज्यादा खाना खा सकते हैं हम। हाँ 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 हाँ, जैसे मुंह ना हो गया चक्की हो गई, खाना खाते ही हजम हो जाएगा, हद हो गई। ओए मेरे बिकड़ भीम, ये उल्टी सीधी बातें तू कहाँ से सीख क्या है, बोल। हाँ खाना खाते वक्त हम बोलते हैं, वो खाना खाते वक्त ही नहीं, वो जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितनी की जरूरत है, समझे। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग की शक्ति ऊर्जा बचती है, जिससे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। तो क्या मम्मी हमारे पास दिमाग नहीं है? ना ना पुत्र है ना, पर इस्तेमाल नहीं होता ना। अब बच्चों तुम लोगों ने पालीपुर गांव का नाम सुना है? हाँ सुना है, जहाँ की जलेबी बहुत मशहूर है। रब्बा वहाँ पर एक बाबा हैं, गुमसुम बाबा, ना किसी से कुछ कहते हैं ना ही किसी से राम राम करते हैं, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोलते, ना कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं, परंतु उनके चेहरे का तेज इतना है कि उनके भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। पर दादू जी बगैर बोले रहने में कौन सी बड़ी बात है, दादा हाथ घुमाते लड्डू होता था तो बड़े बाबा कहलाते हैं। हाँ जैसे संगीत पाजी की तरह एक ही मुक्के में दीवार गिरा देते हैं एक ही मुक्के में। बच्चों चुप रहना भी बड़ा बड़ा काम होता है, इतना आसान नहीं होता। तुम तीनों ना मुझे कुछ घंटे बिना अपना मुंह खोले निकाल के दिखा दो। मम्मी उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे स्कूल से शिकायत आई है कि तुम पढ़ाई करते वक्त क्लास में तीनों बातें करते रहते हो। ये मजाक नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। सजा के तौर पर तुमको सुबह से लेकर शाम तक एक दिन चुप रहना होगा, और अगर तुम तीनों में से कोई भी बोल पड़ा तो अगले दिन ही तुम तीनों को अलग अलग सेक्शन में कर दिया जाएगा। बोलो मंजूर है शर्त? क्या? नहीं रह पाना ना ने। तो ठीक है, अगर तुम तीनों को एक ही क्लास में एक साथ रहना है तो तुमको एक दिन चुप रह के दिखाना होगा। अगर शर्त जीत गए तो एक साथ एक क्लास में और इनाम भी साथ में, और अगर तुम चुप नहीं रह पाए तो फिर सजा के तौर पर तुम अलग अलग बस। पर दादू जी बिना मुंह खोले मैं खाऊंगा कैसे? वाहेगुरु पुत्र, मुंह ना खोलने का मतलब है बोलना नहीं, बात नहीं करनी किसी से, और खाना खाने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। पर बिना बोले मैं मांगूंगा कैसे? इशारे से बोल। मंजूर है शर्त? हाँ मंजूर है, उसमें कौन सी बड़ी बात, हम तो कर ले लेंगे। हाँ मंजूर है।
तो कल सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आप लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम लोग रह सकते हैं। तो क्या सोच रहा है रोहन? यही कि मैं दाल का इशारा कैसे करूंगा और लस्सी का भी। यार बिना बात करे कैसे मजा आएगा? कितना इजी है, हम लोग दमशिराज नहीं खेलते? हाँ तो बस वैसे ही हम इशारों में बात करते रहेंगे, पूरा दिन गेम खेलने का मिलेगा। पर किसी से झगड़ा हो गया तो इशारों से झगड़ा करने मजा ही नहीं आएगा ना। अरे क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तू कल झगड़ा नहीं करेगा? हाँ। ओ समझ गया, ये बोल रहा है कि कल तू झगड़ा नहीं करेगा। ठीक, यही कहना चाहता है ना तू? हाँ देखो मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। हाँ। तो आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोहन तेरी भाई, तू एक्शन कर। अरे अरे बोल का है नहीं रहे, तेरी मम्मी का लड्डू अटक गया है। मंजू आंटी अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हम कल के चैलेंज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओ, 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 ओ पटना छपरा आ रहा, ये कैसा चैलेंज है तुम्हारा? हाँ दादू जी ने कहा। अरे बच्चन ये कैसन चैलेंज है, एक बात तो बताओ जरा, पूरे दिन बिना बोले बिना झगड़े के कैसन रहोगे बोलो? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। और ये 2.5 किलो का हाथ जिसपे पड़ता है ना, तो मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता। बोल देता हूँ हाँ। ए साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ओए 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 1.5 फुट के शाहिद कपूर इतने ना किस पे वायलेंट हो रहा है गल्ले गल्ले? कल पूरा दिन चुप रहना है ना, इसलिए कल के बोलने का कोटा आज पूरा कर लूँ ना, तो कल कोई टेंशन भी नहीं होगी। अब पुत्र सीधा अपने घर जा और अपनी नींद का कोटा पूरा कर। चल शाबाश। वो चल बेटा चला जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। बाय बाय आंटी, बाय रविंदर, बाय मां, बाय।